छत्तीसगढ़ में जिला पुलिस परीक्षा 2017-18 का रिजल्ट जारी नहीं होने के चलते परीक्षार्थियों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, परीक्षार्थियों द्वारा रैली निकाली गई, विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन पुलिस रैली को रास्ते में ही रोक दिया गया। उसी दौरान धक्का मुक्की भी हुई, फिर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों द्वारा, आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा और कुछ लोगों को वहां से गिरफ्तार भी किया। वहीं अभ्यर्थी पवन शुक्ला ने कहा है कि हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि इस प्रदेश में कोई नियम कानून है कि नहीं, क्योंकि कोर्ट ने रिजल्ट जारी करने को कहा है, बावजूद उसके भी रिजल्ट जारी नहीं हुआ। एग्जाम का रिजल्ट रोक दिया गया था, तो इसी संबंध में इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है और समय सीमा 5 बजे तक की थी, जो कि उससे अधिक हो गया था, तो रोड को खाली करा दिया गया शांतिपूर्वक और वो लोग चले गए। इसमें रिजल्ट नहीं है। हम पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से, क्या इस राज्य में कानून नहीं है? क्या इस देश में कानून व्यवस्था नहीं है? हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं करती? जब हाईकोर्ट फैसला दे चुका है कि रिजल्ट जारी करो, तो क्यों नहीं जारी हो रहा? ऊपर से इनके मंत्री के पास जाओ तो माननीय कवासी लखमा जी हमसे क्या बोलते हैं कि आप नक्सली बन जाओ।